गाइस एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो भाई पीछे बैकग्राउंड देख के आपको पता लग गया कहाँ है आपका भाई। तो भाई ये ब्लॉग में ब्लॉग नहीं है, ये लाइफ अपडेट, सिर्फ सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको। ये मैं क्यों शूट कर रहा हूँ बताता हूँ, बैठ के बताता हूँ। और पीछे अब तुम्हारा भाई कनाडा ही है, ठीक है, कनाडा है, ठीक है। पहले आपको पीछे का व्यू दिखाते हैं। ये भी पीछे भाई स्विमिंग क्लासेस हैं, वहाँ पर मैं आया हुआ था। तो मैंने कहा यार एक फटाफट वीडियो शूट करूँ और कल अपलोड डालूँ, उसके बाद ब्लॉग आएंगे। तो हाँ जी भाई अब बैठ चुका हूँ और अब बात करते हैं मेन, ठीक है। ये ब्लॉग में वीडियो है, ये ब्लॉग नहीं है। और इसमें सिर्फ एक सिंपल लाइफ अपडेट मैं दे रहा हूँ आपको कि भाई फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ कनाडा में। और मैं इधर पहुँच गया था 23 तारीख को। उससे पहले मैं आपको पता है मैंने दुबई जाना था, तो दुबई में घूमा था 7-8 दिन। तो पहले वो ब्लॉग आएंगे, ठीक है, 7-8 ब्लॉग आएंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, मेरे को पता नहीं। अभी आज मैंने एडिटिंग शुरू कर देनी है और कल ये वाला ब्लॉग आ रहा है। मतलब ये वाला डेट कितनी होगी, आज होगी है मेरी आई गेस 28th होगी, ठीक है, 29th को ये वाला ब्लॉग आ रहा है। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ 30th से मैं शुरू कर दूँ अपना दुबई वाला ब्लॉग्स। और एक आपसे मैंने सजेशन मांगना है, सिर्फ एक आपको देना है, आपकी मर्जी है, नहीं देना मत दो यार, क्योंकि पहले भी मैंने बोला था किसी ने कमेंट नहीं किया यार, ठीक है। मेरे को बता दो डेली व्लॉग शुरू करूँ कि ना करूँ, ठीक है ना। मेरे को बनाने में कुछ नहीं जा रहा, डेली व्लॉग बनाता हूँ मैं, तो बोल रहा हूँ कि डेली व्लॉग बनाऊँ ताकि लोगों को पता लगे भाई स्टूडेंट लाइफ कैसी है यहाँ पर। और ज़्यादातर लोग जो है ना वो भाई डेली नहीं दिखा रहे, वो मतलब हेल्प कर रहे हैं, मतलब लोगों की हेल्प वाला कंटेंट भी आएगा अपने में, कैसे सीन लेना, क्या नहीं लेना, जीवन लेना, कैसे नहीं लेना, बाकी स्टडीज़ के ऊपर भी आएगा। लेकिन थोड़ा हंसा मजाक वाला ब्लॉग और डेली रूटीन में लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और इंडियंस क्या कर रहे हैं, वो सारा ब्लॉग भी आपको चाहिए। तो मेरे को यार बता दो कि डेली व्लॉग शुरू करूँ। और एक और बात बता दो मेरे को कि दुबई के व्लॉग एक दिन छोड़ के डालूँ या फिर रोज डाल दूँ, क्योंकि वो तो अगर आप बोलोगे रोज डाल दो, अगर मेरे पे इस वीडियो पे 40 कमेंट आ गए ना तो मैं भाई रोज डाल दूँगा और एडिटिंग अपनी थोड़ी तेज़ कर लूँगा। और क्या, बाकी कल ये वाला आ रहा है अपना, तो मेन चीज़ यही होगी, ठीक है। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया अपना कि अभी मैं कनाडा में हूँ और दुबई के व्लॉग्स आने वाले हैं। पहले दुबई के व्लॉग्स आएंगे, उसके बाद कनाडा का व्लॉग आएगा, इंडिया टू कनाडा जर्नी वाला, और उसके बाद तो फिर कनाडा वाले व्लॉग्स आएंगे। तो भाई आप ये वीडियो देख रहे हो अपनी 29 को, है ना, 29 को वीडियो देख रहे हो और 29 को ये वीडियो आ रही है। उसके बाद मैं 30 से ही शुरू कर दूंगा यार दुबई के व्लॉग्स, 30 मोस्ट प्रोबेबली 30 ही है अगर कुछ भी होता है, क्योंकि देखो मैं एडिटिंग का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता होता व्यूज़ के लिए, ठीक है ना। एडिटिंग तगड़ी होगी चाहे एक दिन लेट आए व्लॉग, 31 को भी आ सकता है। और अगर 31 तक आपने बता दिया कि भाई मेरे को इस वीडियो पे 40 कमेंट आ गए कि भाई डेली व्लॉग डाल दो और दुबई के भी डेली डाल दो, एक दिन छोड़ के बंद कर दो अब, क्योंकि ऐसे फिर थोड़ा ज़्यादा डिले हो जाएगा, ठीक है। बहुत बात तो होगी, बार बार नहीं करूँगा। हवा चल पड़ी भाई, बढ़िया हो गया, हवा बढ़िया होगी इधर, ठीक है। और सेकंड बात अब मैंने करनी थी आपसे कि सबसे पहले अपने दुबई के ब्लॉग्स आने वाले हैं जितने भी ब्लॉग हैं, और इंडिया टू कनाडा की जर्नी मेरी कैसे आने वाली है, मतलब इंडिया से मैं अपने घर से आपको एयरपोर्ट तक का मैं उस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। शूट मैंने सब कुछ कर लिया, बस मैंने को बता दूँ एक बारी ताकि किसी को भी कन्फ्यूजन ना रहे, ये वाला ब्लॉग देख लेना भाई, ठीक है ना, शेयर कर देना जिससे भी करना है, मतलब जो जो मेरे व्यूअर्स हैं और जो नहीं है उनको भी शेयर कर देना कि भाई देखो यार ब्लॉग देखो। और दूसरी बात क्या, वही बात चल रही है अभी, तो भाई हवा बहुत ज़्यादा चल गई यार, ठीक है। अपनी वही बात चल रही थी कि सबसे पहले भाई मैं आपको घर से अपने अमृतसर का रास्ता दिखाऊंगा, ठीक है, वहाँ से क्या क्या सिस्टम है वो सारा दिखाऊंगा, उधर गुड बाय करूंगा पेरेंट्स को, ठीक है, वो हो गया। और अपनी फ्लाइट आपको पता है एयर कनाडा थी, और इसी व्लॉग में मतलब इंडिया टू कनाडा वाले व्लॉग में मैं आपको घर से अमृतसर तक की जर्नी सबसे पहले, और उसके बाद अमृतसर से लेके उसके बाद मैं जब दुबई जाऊँगा, अमृतसर से दुबई वाली वो मेरी दुबई के व्लॉग में आएगी, ठीक है, वो तो आपने वो कनाडा वाले व्लॉग आने से पहले ही देख लिया होगा। और उसके बाद दुबई से मेरी जो कनाडा की जर्नी है वो आएगी, इमिग्रेशन में क्या क्या हुआ वो आएगा, इमिग्रेशन देख लेना भाई, जरूरी है इमिग्रेशन, जरूरी है, ठीक है, स्किप मत करना, लेकिन पूरा देखना उसको, इमिग्रेशन वाले को भी एंड तक देखना। और एयर कनाडा का रिव्यू भी बताऊंगा, डायरेक्ट फ्लाइट थी मेरी दुबई से टोरंटो की, उसमें मैं कैसा खाना था, कैसा उनका सर्विस थी, क्या चीज़ें थी, और फेयर तो आपको मैंने बताया हुआ है, आई गेस नहीं बताया तो अभी फिर से बताता हूँ, बताया ही होगा, मैंने 10 बार बताया, बाकी फिर भी बताता हूँ। मेरे को 66,000 या 64,000 या 65 कुछ भी लगा लो आप, 2-3 हज़ार का इधर उधर हो गया, क्योंकि भाई मेरा था कैड में पेमेंट थी, तो पता नहीं यार क्रेडिट कार्ड वालों ने या फिर जिससे मैंने पेमेंट की थी डेबिट कार्ड था क्रेडिट कार्ड था पता नहीं, मेरे को कन्वर्जन रेट थोड़ा ज़्यादा खींच दिया उन्होंने, बाकी कोई बात नहीं यार, अब तो हो गया जो होना था, जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है। बाकी अभी जा रहा हूँ, बस अंदर जाता हूँ, यही चीज़ें मैंने बतानी थी, छोटा सा ही है, 3-4 मिनट का होगा, पूरी देख लेना वीडियो, और अच्छी लगे तो भाई सब्सक्राइब करना, वैसे तो अच्छी लगने ना कुछ है नहीं, मैंने इन्फॉर्मेशन ही बताया इसमें, फिर भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी हो तो कमेंट कर देना यार मेरे को कि भाई ठीक है ओके हो गया काम सारा। और अब मैंने आपको बता दिया कनाडा का व्लॉग कैसे आने वाला है, इंडिया टू कनाडा वाला, ठीक है। और उसके बाद मैंने काफ़ी वीडियो कनाडा में शूट कर लिए हैं, आज भी शूट कर रहा था, अपनी सिम का भी शूट कर लिया है, जीवन का शूट कर लिया है, और अपना मैंने सिम कार्ड कौन सा लेना और कैसे लेना है, कौन सा बढ़िया, वो सब शूट हो गया, वो एक बारी हो जाए ना सारे ब्लॉग्स आ जाए, इंडिया टू कनाडा वाला आ जाए, फिर उसके बाद कनाडा की जर्नी शुरू हो जाएगी। तो देखते रहना ब्लॉग, देखते रहना। और अभी अंदर जा रहा हूँ, स्विमिंग पूल भी दिखाता हूँ, मैं बोलूँगा नहीं कुछ, मैं बोलना नहीं चाहता, ठीक है, दिखा दूँगा बस, मैं बोलूँगा नहीं, क्यों, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो लोग यार बोल देंगे कि मतलब क्यों, लेकिन आपने मेरे देखा ये इंडिया में मैं आउटडोर स्विमिंग पूल था, ये इंडोर है तो छोटा तो होगा ही भाई, बाकी एक बार दिखा रही भाई, इनके जिम भी है ब्रैम्पटन की बात कर रहा हूँ, कौन सी जगह मेरे को भी पता नहीं है, मैं नया नया जिम दिखाता हूँ, बहुत तगड़ा जिम है, जिम तगड़ा है वो अपने इंडिया के हिसाब से तगड़ा है।
पहला ट्रेडमिल सेक्शन था, आगे बहुत है जिम। मैं अभी पता नहीं मेरे को अंदर जा सकता ऐसे कि नहीं जा सकता, शूटिंग भी अलाउड है कि नहीं, क्योंकि मैं करूँगा भाई कोई केस कूस में नहीं अंदर जाना। हमने एक बार मैं जिम शुरू कर दूँगा फिर मैंने करना ही था, मैं जब पूछ लूँगा उनसे पहले कि भाई अगर शूटिंग अलाउड है वीडियो अलाउड है, फिर भी थोड़ा सा दिखाता हूँ, ग्लिम्स दिखाता हूँ छोटी सी, किसी को लेके नहीं आऊँगा कैमरे पे, आइडेंटिटी रिवील करूँगा, बाकी थोड़ा बहुत दिखाता है ठीक है। ये सारी मशीन्स लगे हैं इधर, ठंडा किया हुआ माहौल एकदम। टीवी है, क्या है टीवी है भाई, लेकिन न्यूज़ ही आ रही है अपने किस काम की। बाकी यार मैंने प्राइसेस वगैरह भी पूछा नहीं, क्योंकि यार अभी मेरे को कुछ पता नहीं है ब्रैम्पटन में मैंने कितना रहना है कितना नहीं रहना है, क्योंकि कॉलेज अपना आपको पता है मिस्सा का, मैं यहाँ से दूर पड़ेगा, बसों में धक्के नहीं खाने भाई, कुछ करेंगे हीला करेंगे जल्दी जल्दी, एक बार लाइसेंस बन जाए ठीक है। स्विमिंग पूल दिखाता हूँ भाई, स्विमिंग पूल फिर करते हैं यार, वीडियो को यहीं पर ख़त्म ठीक है ना। छोटा सा अपडेट था, मैंने यही बताना था कि सेफली भाई पहुंच चुका हूँ कनाडा, और मेन बात कनाडा की भी नहीं थी, मेन बात यही थी कि मैं बताना चाहता था कि मतलब इंडिया टू कनाडा वाला व्लॉग मेरा कैसे आने वाला है ठीक है, वो मैंने बता दिया आप लोगों को, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता लग गया। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, मे बी कल से दुबई सीरीज स्टार्ट होने वाली, तो भाई पूरा प्यार देना उसको ठीक है ना, सबके साथ शेयर कर देना दबा के, और सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है मैंने उसमें, कुछ भी रहता होगा तो मैं एडिटिंग करते थोड़ा थोड़ा साथ में बता दूंगा ठीक है। और यार शेयर जरूर करना है उसको, मेहनत है अपने भाई की, और अगर वो चल पड़ी सीरीज़ तो अपनी भाई ड्रीम ट्रू हो जाएगी ठीक है। एक ड्रीम थी अपनी दुबई घूमना, और दूसरी ड्रीम थी कि अपने लेंस से, कैमरा के लेंस से लोगों को दुनिया दिखानी ठीक है, दुनिया की शुरुआत कर दी है दुबई से, अब कैनेडा आए हैं सेकेंड कंट्री अपनी। अब केयर मिलता हूँ आपको अगले लोग में, पीछे व्यू देख लो आप लोग, ये देख लो व्यू ठीक है इधर भाई, आज बादल नहीं बढ़िया हुए, वैसे बादल बढ़िया होते हैं जब कैनेडा के लोग आएंगे ना तब आपको पता लग जाएगा बादल इधर रोज ही यार, मौसम का भी नहीं पता भाई, कल नहीं आई बारिश, परसों इतनी बारिश आई, चौथ इतनी बारिश आई, आज नहीं आ रही, कल भी नहीं आई थी, बढ़िया यार बढ़िया मत आए, वैसे थोड़ी बहुत ही गर्मी होगी है, आ जाए मैं तो कर यार ठीक है, बंदा कभी सेटिस्फाई होता, मिलता है यार अगले व्लॉग में, बाय बाय। और कुछ भी बात हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, और इंस्टा पर पूछ लेना अगर अभी किसी को ज़्यादा जल्दी पूछना है, मतलब कि इमिग्रेशन में क्या पूछा, क्योंकि व्लॉग आने में तो भाई 10 दिन लग जाएंगे, 10 दिन के बाद जो आ रहा है भाई वो वीडियो देखेगा ठीक है, और जो पूछ रहा है मेरे से इंस्टा पे वो भी वीडियो जरूर देखना, क्योंकि बाकी चीज़ें भाई वीडियो में ही बताऊंगा ना, जो जर्नी कराई है क्या भाई इधर, भाई सीक्रेट का रिवाज बहुत है ठीक है, इधर जगह जगह बनाए हुए हैं उन्होंने सीक्रेट वाले, फेंकने वाले मिलती नहीं है यहाँ पर, मिलती तो खरीद गई है। तो मिलता हूँ यार आपको अगले लोग में, बाय बाय, सी यू अगेन, और लाइक करना शेयर करना कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, मिलता हूँ अगले लोग में, बाय बाय। अब सीधा जाके एडिटिंग करूँगा, एडिटिंग ठीक है, अंदर हो रही है स्विमिंग। एक बैड न्यूज़ दूँ, अपना भाई स्विमिंग कॉस्ट्यूम गुम हो गया, पता कैसे वो व्लॉग में बताया मैंने नहीं बताया ठीक है, उसमें क्या सीन हो गया था भाई, एयरपोर्ट पे अपना हो गया था, थोड़ा सा लगेज ज़्यादा, उन्होंने बोला भाई खाली कर दो, तो मैंने सामान निकाल के दूसरे टैची में रखा था, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गया भाई, स्विमिंग कॉस्ट्यूम ही मेरा गैप हो गया, कोई तो सीन हुआ है मेरे साथ। बाकी उम्मीद करते हैं मिल जाए, क्योंकि अभी भी कुछ पता नहीं है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, तो आपको मिलता हूँ अगले व्लॉग में, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, और वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। सनसेट होने वाला है, अब भी टाइम मेरे हिसाब से 7:30 होने वाले हैं ठीक है, लेकिन सनसेट नहीं हुआ अभी तुम्हारे भाई का, इधर कनाडा में लेट ही होता है भाई, कल 8:15 बजे भी रोशनी थी यहाँ पे, बाकी वो बड़ी रेंगलर मेरी नहीं है भाई किसी और की है। मिलता हूँ अगले व्लॉग में, बाय बाय, शेयर कर देना भाई, शेयर करके जाना है ऐसे मत जाना ठीक है, सबसे ज़्यादा शेयर कर दो भाई कनाडा का व्लॉग कैसे आने वाला है, सबको पता लगेगा, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।